नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ बटर स्वीट ब्रेड। ये बहुत ही यमी रेसिपी है और ख़ास करके बच्चों को बहुत पसंद आती है। झटपट बन के तैयार हो जाती है, आप शाम के चाय के साथ इसे ले सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। मेरी इस बटर ब्रेड की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यहाँ पे देखिए, स्वीट बटर ब्रेड बनाने के लिए मैंने लिया है 2 स्लाइस ब्रेड और मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड यूज़ की है। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा बटर और एक एक चम्मच मैंने पाउडर शुगर डाला है। आप अगर पाउडर शुगर डालना चाहते हैं और पाउडर शुगर नहीं है तो आप जो शुगर यूज़ करते हैं या जो चीनी हम चाय या कॉफ़ी में यूज़ करते हैं वही चीनी हम अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और उसी चीनी को हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डाला है पाउडर शुगर और बटर और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और इस पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि एक साइड का जो हमारा स्लाइस का एक साइड है उसे हम अच्छे से ढक देंगे, यानी कि कोट कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसको मैंने अच्छे से कोट कर लिया है और बस सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी इसी तरीके से कोट करेंगे। और जो हम बटर और शुगर लगा रहे हैं सिर्फ हमें एक ही साइड में उसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने एक साइड में रख लिया है और जो दूसरी स्लाइस है उस पर भी हमने बटर और शुगर डाला है, उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद मैं सारे ब्रेड पे इसी तरीके से अप्लाई कर दूँगी। आप इसे बना के सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होता है और बहुत देर तक क्रिस्पी बना रहता है। इसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि बटर और जो शुगर का टेस्ट है बहुत ही एमी आता है इसमें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने सारे पे अप्लाई कर दिया और अब चलते हैं हम आगे के प्रोसेस में। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस पे रख लेंगे फ्राइंग पैन और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। तवे को हमें गर्म करना है पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ मीडियम फ्लेम पे ही तवे को अच्छे से गर्म करना है। और एक स्लाइस को इस तरह से उठाएंगे और इसे पलटते हुए जिस साइड में मैंने शुगर और बटर लगाया है उस साइड में डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए, इसे हम बराबर मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से चलाते रहेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से ब्रेड को घुमाते रह रही हूँ ताकि जो हमारा ब्रेड है वो अच्छे से सिक जाए और जले ना, और मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे देखिए, मैं बराबर चलाते हुए उसे अच्छे से सेक ली हूँ और अब हम पलट लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ब्रेड है बिल्कुल जला नहीं है और मैंने उसे पलट लिया है तो अच्छा सा एक कलर भी आया है और क्रिस्पी भी हो गया है जिस साइड से हमने सेका था। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह घुमा के सेक लेना है। और यहाँ पे देखिए, हमारा स्वीट बटर ब्रेड बन के तैयार है और सेम प्रोसेस से हम दूसरा जो ब्रेड है उसे भी इसी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ जो बटर की साइड है उसे हम नीचे डाल देते हैं और इस तरीके से उसे घुमाते रहेंगे ताकि हमारी जो बटर की साइड है वो जले ना। तो इस तरीके से इसे घुमा ले रहे हैं, ये देखिए। और बस जैसे ही एक साइड में होता है तो मैं इसे पलट दूंगी और पलटने के बाद भी घुमाते हुए दूसरे साइड से अच्छे से सेक लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और बहुत ही अच्छा हमारा स्वीट बटर ब्रेड बन के तैयार है। तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ, ये देखिए। स्वीट बटर ब्रेड की रेसिपी को मैंने सर्व कर लिया है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? आप इस रेसिपी को नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर कुछ हल्का सा मीठा खाने का मन हो तब भी इस रेसिपी को आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में।